हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पीएसए जिसको पुलिस स्टेशन असिस्टेंट कहते हैं पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 7 मई 2024 को हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह 80% क्वेश्चन जो है वो testpoint.pk वेबसाइट से आए थे। जिन लोगों ने पेपर दिया और यहाँ से तैयारी की वो बहुत खुश थे, अल्लाह ताला उनको आगे भी कामयाबी दे। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एंड पे जाके पेपर पैटर्न वगैरह भी डिस्कस करेंगे, तो वो आप एंड पे देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से पेपरों में आ चुका है। इस पेपर में पूछा हुआ था कि यूएनओ के मेंबर कितने हैं, 193, 193 इसके मेंबर हैं। इसी यूएनओ के रिलेटेड जो मुख्तलिफ पेपर में बार बार क्वेश्चन आते हैं, और हो सकता है अगले ही पेपर में ये भी पूछ लें कि ये बनी कब थी। ये 24 अक्टूबर 1945 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ये भी क्वेश्चन बार बार पेपरों में आता है। बार दफा वो पूछ लेता है कि यूएनओ स्टैंड फॉर, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इससे मुराद है। बाकी मजीद इसकी 6 कितनी जुबानें हैं वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। और जैसा कि इसकी 6 जुबानें हैं, इससे ये जो इसके कितने ऑर्गन हैं तकरीबन 6 हैं, फाउंडिंग मेंबर कितने हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन मुख्तलिफ पेपर में आते रहते हैं 5 जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीपीएन से क्या मुराद है। ये यकीनन हर बच्चे को पता होगा। आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने हर सूरत में इसका जवाब देना है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। इससे मुराद होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। साटा से क्या मुराद है, साटा से मुराद है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये बेसिकली हार्ड ड्राइव की एक किस्म है। जेपैक से क्या मुराद है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये पिक्चर जो हम देखते हैं ये मोस्टली जेपीजी होती हैं या पीएनजी होती हैं, तो ये उसके हवाले से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये पर्सनल सॉफ्टवेयर नहीं, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारी जो कंप्यूटर चल रहा होता है विंडोज जिसको कहते हैं, वो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। कंट्रोल शॉर्टकट की जो है एक इसलिए होती है, ये क्वेश्चन इसी तरह से था आई थिंक, या किसी भी तरीके से ये था, या तो था कि सारा डाटा सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, या ये था कि कंट्रोल ए किस लिए इस्तेमाल होती है। क्योंकि हमें लोगों ने जो इस तरह क्वेश्चन बताए तो सामने लिख दिया, तो लिहाजा सेलेक्ट ए या सेलेक्ट सब करने के लिए कंट्रोल ए इस्तेमाल करते हैं, या टू आर सेलेक्ट के लिए कंट्रोल ए की चीज़। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की हमने लिख दी है, आप इनको ज़रूर याद कर लीजिए। नेटो जो क्या है, ये एक मिलिट्री अलायंस है। इसके अलावा इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इससे क्या मुराद है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 के अंदर बनी थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसके 31 मेंबर हैं, 29 यूरोपियन हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं। हमने मजीद भी इसकी लिस्ट भी डाली हुई है जितने इसके 31 मेंबर हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। जो लेटेस्ट इसका मेंबर है वो फिनलैंड है। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग। तो कहता है व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जागन फॉर इट, ग्लिच इसको कहते हैं। इन विच ईयर ओआईसी फाउंडेड, ओआईसी जो है 1969 के अंदर बनी थी। इसके कितने मेंबर हैं, बहुत से पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है। इसके 57 मेंबर हैं, इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और ये यूएनओ के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहा जा सकता है। ये बेसिकली मुसलमानों की जमात। विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान। मंचर लेक जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर जो है लेक। विच की यूज टू सेट द लाइन स्पेसिंग 1.5, तो कंट्रोल 5 इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये याद करने का आसान तरीका है, बल्कि ये मुख्तलिफ पेपर में भी आता है। अगर आपने 1 करना है तो कंट्रोल 1 करेंगे, मतलब स्पेसिंग। अगर 1.5 करना है तो ये एंड वाला जो 5 है इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर 2 करना है तो कंट्रोल प्लस 2 करेंगे, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये देखो इसमें हमने लिखा भी हुआ है, डबल स्पेसिंग के लिए 2, सिंगल स्पेसिंग के लिए 1 और 1.5 के लिए 5, ठीक है। और रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल क्यों। ट्रीटी ऑफ हदीबिया किसने लिखी थी, ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लिखी थी 628। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड इन कठमंडू, जो है ये कठमंडू में वाक्य है। कठमंडू कहाँ पे है ये नीचे आपने कमेंट्स में बताया। करतारपुर कहाँ पे है, ये नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में वाक्य है। मोस्ट रिपीटेड ये भी क्वेश्चन।
पंजाब असेंबली में कितने मेंबर हैं? 371 के अराउंड अबाउट पंजाब असेंबली में मेंबर हैं। पीडीएफ से क्या मुराद है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ से मुराद। हजरत अली की शहादत 40 हिजरी में हुई थी, और आप ये भी पूछा जाता है हजरत इमाम हुसैन की शहादत किस हिजरी में हुई थी, ये नीचे आपने कमेंट्स में बताना। आई एम फीलिंग डेजी, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज इन वर्ड ऑफ ब्रैकेट्स? मतलब डेजी जो है इस कौन सा, ये एडजेक्टिव है बेसिकली। एडजेक्टिव क्या होता है? नॉन और प्रोनाउन की जो है वो हालत उसके बारे में बताता है, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। हमजा ईट्स फूड ट्रांसलेट इनटू उर्दू, हमजा जो है खाना खाता है, इसका जवाब होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन, फ्रूटफुल का बार्बन, सॉरी बैरन, बैरन से मुराद होता है बंजर, ठीक है। वीडियो लंबी होती जा रही है, आप बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टोटल 50 MCQs थे, और आप इनको यहाँ से वेबसाइट से रीड कर सकते हैं, ये तमाम इंशाल्लाह इधर में आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मौजूद है, आप इनको वेबसाइट से रीड कर सकते हैं। अब हम सिलेबस पे आ जाते हैं, लिंक हम ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उस पर क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें 50 MCQs थे, 1 घंटे का टाइम दिया गया था, 100 मार्क्स का ये पेपर था, MCQs था, तमाम क्वेश्चन इंग्लिश में थे, सलामियात के जो 5 क्वेश्चन तकरीबन थे वो उर्दू में थे। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू थी, प्रपोजिशन एंटोनिम्स इन्होंने कंप्लीट सेंटेंस वगैरह आपने जैसे क्वेश्चन देखे हैं, कंप्यूटर की शॉर्टकट की थी, एब्रिवेशन थी, आपने देखा ही है, हमने बार बार किया, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और MS वर्ड ऑफिस और एक्सेल वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो वही जो हमने सिलेबस लिखा है इसको आप फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प हो सकती है आपकी। इस्लामिक स्टडी के उर्दू में क्वेश्चन थे तकरीबन 5, मैथ और IQ के क्वेश्चन थे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। ये ऑफिशियल सिलेबस है, तैयारी के लिए हमने ये लिंक दिए थे, जिन्होंने यहाँ से तैयारी की यकीनन सब ने, बहुत से लोगों ने बताया कि उनका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप अगर कोई पेपर देते हैं जो थोड़े बहुत क्वेश्चन याद रह जाए, इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।